मेरा नाम अनिल दलाल है, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करने आए थे? क्या मैंने यहाँ पे पिछले 3 महीने से मैं लगातार साफ सफाई करने के लिए आता हूँ, या तो शनिवार को या रविवार को आता हूँ। मैं जज साहब की वर्तमान में 3 प्रतिमा की जो साफ सफाई है सप्ताह में वो करने के लिए आता हूँ, शहीद अमित बेनीवाल जी, शहीद रविंद्र चिखाया जी और शहीद आजम भगत सिंह जी की। और मैं आया इसलिए जी क्योंकि मैंने यहाँ पे आके हालत देखे अपने शहर में, शहीदों की जो प्रतिमा लगी हुई है उनके ऊपर 2-2 इंच मैंने धूल मिट्टी देखी, पक्षी बीट तक कर जाते हैं। तो ये जो शहीदों का ये जो प्रतिमा लगी है इनके ऊपर मुझे ये लगा, जो धूल मिट्टी मैंने यहाँ पर पक्षी बीट देखी, ये कहीं ना कहीं हमारे शहीदों का अपमान है और मैं उनको थोड़ा एक सम्मान देने के लिए यहाँ पर आता हूँ। आप दूसरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों को भी यही संदेश देता हूँ और जो हमारे जो समाज के जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैं छारा गांव से आता हूँ, मेरा 15 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है, लेकिन अगर कोई जज्जर या जहाँ पे भी हर गांव हर शहर के अंदर कोई ना कोई प्रतिमाएँ लगी हुई हैं, 10 से 12 प्रतिमाएँ ईजिली आप हमें मिलती हैं, तो अब मैं सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि भाई प्लीज़ आप आधा घंटा 1 घंटा निकाल के इन प्रतिमाओं की साफ सफाई कीजिए। ये हमारा सम्मान है, इन्हीं की वजह से हमें आज़ादी मिली है। अगर 1947 से पहले की बात करें तो उसमें शहीद आजम भगत सिंह जैसे वीर हुए, और आज़ादी के बाद भी अगर हमने हमारी जो आज़ादी सुरक्षित रही है तो उनमें कहीं ना कहीं इन फौजी भाइयों का जो बलिदान दिया है तो हम उनके सामने नतमस्तक हैं, तो शायद हमें इनके सम्मान के लिए इतना सा कार्य जरूर करना चाहिए। और साथ में प्रशासन से भी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जी प्लीज़ कम से कम यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नियमित तौर पर छोड़ा जाए, कम से कम सप्ताह में 1 दिन इनकी साफ़ सफाई जरूर करवाई जाए ताकि हमारे शहीदों का जो सम्मान है वो बरकरार रहे। लेकिन मैं आपको साथ में आपके मीडिया के माध्यम से ये चीज़ भी बता देना चाहता हूँ कि अगर कल को प्रशासन या किसी सामाजिक कार्यकर्ता भाई को ये लगता है कि भाई अनिल अपना बिजनेस छुड़ाना चाह रहा है तो वो बिल्कुल नहीं है भाई, मैं सप्ताह में जो मेरे 1 दिन की ड्यूटी है मैं वो उसको हर हाल में पूरा जरूर करूँगा। परिवार को क्या संदेश देना चाहोगे जो उनके लाल भी है, बेटा भी है, गाँव का गौरव भी है? जी सर देखिए इस बारे में इतना बता सकता हूँ कि मैंने जो परिवार है, चाहे लेफ्टिनेंट रविंद्र चिखारे जी की बात करें या लेफ्टिनेंट अमित बेनीवाल जी की बात करें, इन दोनों परिवार से मैं व्यक्तिगत तौर पर जाके मिला हूँ और मैंने इनसे अपील की है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है कि जी आप प्लीज़ या तो वहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी छोड़ दें या नहीं भी छोड़ दें तो कम से कम इनके जो शीशा है, एक तो धूल मिट्टी भाई साहब आप भी देख रहे होंगे इसके ऊपर जितनी जितनी धूल मिट्टी हम देखते हैं, तो अगर इसको शीशे में भी कवर हो जाए ये तो कम से कम ये धूल मिट्टी से हमारा बचाव हो जाए।